हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग लास्ट वाले लेक्चर के अंदर बेटा फेज वन के बारे में बात किए हुए थे कि भैया फेज वन में कैसे हमको चीजें पढ़नी होगी, और उसके अंदर मैंने आपको तीन चैप्टर्स के बारे में बताया था जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट के हमारे जो सुनहरे हमारे जो गोल्डन जो हमारे बेटा बहुत ही जबरदस्त हलवा चैप्टर्स थे उनके बारे में अपने बात किया था। और उसको सेपरेटली भैया हम लोगों ने 4.5 घंटे का टाइम जो है ड्यूरेशन जो है या डेडिकेट किया था। तो सारे बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा होऊंगा कि सब लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस 4.5 घंटे में बहुत ही शिद्दत से बेटा पढ़े होंगे। तो हम बच्चे अब जो है फेज टू में जाने वाले हैं, मतलब कि बेटा हम लोग अपनी फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाने वाले हैं। और वहां पर सारे बच्चों को यह पता है कि वहां 5 चैप्टर्स होते हैं और 5 चैप्टर्स को हम यहां पे डील करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और वहां पे बच्चे मैं आपको डायमंड क्वेश्चंस देने वाला हूं। डायमंड क्वेश्चंस क्या होता है सर? तो डायमंड क्वेश्चन बेटा जो हर साल जो है, या फिर हर साल बोल सकते हैं बेटा, या फिर भैया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, या फिर इस साल प्रोबेबली इस साल जो है पूछे जाए ऐसे क्वेश्चंस में यहां पे बात करने वाला हूं। तो बेटा ये जो फेज टू है ये आपको सेपरेटली सारे बच्चों को बताया मैंने स्ट्रेटजी वाले वीडियो के अंदर, ये बताया हुआ है कि भाई हम फेज टू के अंदर किसके बारे में बात करेंगे, सब कुछ मैंने क्लियर किया है। बच्चा हम लोग फटाफट जो है बिना किसी देरी के फेज टू के अंदर जाते हैं और बात करते हैं कि फेज वन के अंदर, सॉरी फेज टू के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है जो हमारा होता है सबसे प्यारा बेटा क्या होता है, ठोस अवस्था। इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स आ रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं बेटा। देखो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, सॉरी चैप्टर्स नहीं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ठोस अवस्था जब पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपको लगेगी कि भैया हमको पढ़ना है, लेकिन नहीं बेटा आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी, आपको कुछ गिने चुने ही चीजें पढ़नी है। एक बात याद रखना बेटा, जब आप ठोस अवस्था पढ़ना है बैठोगे, ठोस अवस्था सब चैप्टर जो है करने बैठोगे, तो वहां पे आपको पहले फंडामेंटल्स क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर करना है बेटा, तो मेरे जो वीडियो है जो हमारा पहला लेक्चर था चैप्टर वन का, उसको आप लोग प्रिफर कर सकते हो और वहां से अपना जो हमारे बेसिक्स है वो फंडे आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया होगा? ठीक है, अब यहां से भैया अंक की बात करता हूं, तो यहां से 4 अंक के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो हम 4 अंक के हिसाब से जो क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है जब जो है चेकलिस्ट बनाने बैठे हो गए तो वहां पे ये क्वेश्चंस जरूर मेंशन होंगे। तो मैं वापस से बेटा यहीं पे आपको डबल टिक कराने के लिए आया हूं कि भाई आप इसको करो कि नहीं करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ यहां से बेसिक्स करने होंगे बेटा। देखो अगर आपको बेसिक्स पता हो गए तो आप इजीली इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, तो आप बेसिक्स के लिए बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे वीडियो प्रिफर कर सकते हो। सही है? ठीक है, पक्का क्लियर बच्चे? ठीक है, अब देखो यहां से बेसिक्स में क्या क्या आ जाएंगे। आप जो एससीसी स्ट्रक्चर बोलते हो, एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को याद करके रखना है क्योंकि एफसीसी और बीसीसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको बेसिक में काउंट कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना जरूरी है और इसको समझना भी जरूरी है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब उसके बाद बात करता हूं बेटा चतुष्फल की रिक्तियां, चतुष्फल की रिक्तियां, ठीक है, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां, इसको छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के भी नहीं जाना है, भूल के भी भूलना नहीं है प्यारे बच्चों। चतुष्फल की रिक्तियां, अष्टफल की रिक्तियां, क्योंकि ये नेक्स्ट जो लास्ट ईयर था हमारे वहां पर पूछा गया है ये। ठीक है, मैं यहां पे इयर्स मेंशन नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब भैया इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता भैया। हमने बात किया कि हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां पे देने वाला हूं वो सारे जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो। क्लियर सारे बच्चों को, समझ में आया? तो चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति बेटा इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, लास्ट ईयर पूछा गया है। क्लियर सारे बच्चों को? लास्ट ईयर पूछा गया है। अब बच्चे जो हाईली प्रोबेबली जो चांस बनती है इस साल बेटा, वो क्या है? शॉटकी त्रुटि और फ्रेंकल त्रुटि और साथ ही साथ एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक, ये दो टॉपिक्स बेटा, ये दो टॉपिक्स जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही गजब के टॉपिक्स इसको मैंने कराया हुआ है। अगर आप को इसको वापस से बेटा रिवाइज करना है तो आप ये वीडियो लेक्चर को, ठीक है, जो सीरीज है मेरी केमिस्ट्री की, वहां पे जाइए और इस वीडियो को देखिए और उसको है टाइम ज्यादा लगता है, इसको जो 2-3 बार पढ़ चुके हो तो आप उसको 2x में भी करके देख सकते हो। अगर बच्चे ये वीडियो आपको जो है देखना है, फास्ट फास्ट देखना है बेटा, तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, 2x में करके देख सकते हो, जिससे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया? तो इस प्रकार से बेटा हम लोग शॉर्ट की ड्यूटी, फ्रेंकल ड्यूटी और एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक पूछे जा रहे हैं। अब बच्चे मैं इसको बेसिक करना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे यहां से कभी कभी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को उठा के 4 नंबर में दे दिया जाता है, जैसे कि भैया हमको अतिचालक क्या होता है, चालकता क्या होती है,
एसएससी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, डोपिंग क्या होती है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस उठा के ना सीधे हमको चार नंबर के जो दे दिया था, चार टॉपिक्स उठा के छोटे छोटे उसको चार अंक के क्वेश्चंस में दे देते हैं। इसलिए मैं इसको जो है बोल रहा हूँ कि बेसिक्स यहाँ से करके जाना, जिससे आपको जो कोई भी तकलीफ ना हो। चलिए बच्चे फटाफट चलो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलो बच्चे हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर जो है देखते हैं। भैया सेकंड चैप्टर में हमारा जो होता है विलियन। अब विलियन में बेटा हमको जो है सारी चीजें आपको लगती है कि बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन भाई आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कुछ क्या करना होता है छोड़ना होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको यहां से पढ़नी पड़ती है। देखो मेरे बच्चों ये जो टॉपिक है ना, ये जो चैप्टर है ना विलियन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इसको करने में पता नहीं बच्चों को क्या दुख होता है, समझ नहीं आता भैया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी। और अगर किसी भी बच्चों को तकलीफ हो रहा होगा तो वे वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो। मैं बार बार इसलिए बेटा बोल रहा हूं क्योंकि आपका रिविजन बहुत जल्दी से हो जाएगा और आप जो उसको 2x में करके इजिली देख लोगे। क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। अब देखो यहां पे जो सबसे फंडा बात है बेटा, ठीक है, यहां से पांच अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पांच अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पांच अंक के क्वेश्चंस में दो अंक हमको, दो अंक के क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और तीन अंक के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा देखो दो अंक के लिए अगर आपको तैयारी करनी तो सिर्फ और सिर्फ बेटा देखो सिर्फ और सिर्फ मोल संकल्पना पढ़ लो बेटा, मोल संकल्पना। अब मोल संकल्पना में क्या क्या आता है, मैं यहाँ पे कोई भी चीजें मेंशन नहीं करने वाला कि मोल संकल्पना में क्या चीजें आ रही है। भैया मोल संकल्पना में पूरी की पूरी जो मेरे एक वीडियो है मोल संकल्पना की, उसको आप लोग जाके देख लीजिए, जिससे आपके जो वहां से न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो थ्योरी है जो जिसे हम बोलते हैं मूल प्रभाज, मूलता, मूलरता, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अगर आपको दो नंबर चाहिए, देखो बच्चे यहाँ पे ना कोई फिक्स नहीं रहती, ठीक है, मोल संकल्पना से कोई फिक्स नहीं रहता कि कितने अंक जो है, सॉरी कितने जो है क्वेश्चंस यहां से आ रहे होते, लेकिन बच्चे यहां से 101% क्वेश्चंस आते हैं दो नंबर के लिए, ठीक है बच्चे। तो यहां पे आप लोग पूरी पूरी जो मोल संकल्पना है, अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते तो वीडियो लेक्चर प्रीफर कर सकते हो। क्लियर है सारे बच्चों को समझ में आया, तो मोल संकल्पना समझ में आ गई। अब बच्चे हमको तीन अंक लिए तैयारी करनी है, तो तीन अंक लिए बेटा आपको समझना होगा। देखो तीन अंक का फंडा क्या होता है, हमारे पास तीन सेट होती है। अब तीन सेट में से तीन अंक के क्वेश्चन जो है तीनों अलग अलग आएंगे, तीनों सेट में एकदम निश्चित है, ठीक है, अलग अलग आएंगे। तो हमको कुछ ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कोई भी क्वेश्चन आए हमारे सेट के अंदर तो हम इसको जो है इजिली सॉल्व कर पाए। तो देखो बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं, जैसे पथनांक में उन्नयन और हिमांक में औरमन, दो जो टॉपिक्स मैंने एक वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म किया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अनमन, ठीक है। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है हर बार, फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाए हैं, ठीक है, पूछे गए, इसलिए मैं इसको जो है एकदम स्टार पॉइंट बना के लिखना कि हमको जो है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अनमन करके ही जाना है। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट का लॉ बेटा, नेक्स्ट लास्ट ईयर में बेटा ये पूछा गया, ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया है राउल्ट का नियम, तो इसको करके ही जाना है। और बच्चे यहां पे बेटा पराशरण दाब, ठीक है, पराशरण दाब को मैंने बहुत ही मक्खन तरीके से कराया हुआ, तो सारे बच्चे क्या करेंगे वहां से रिवाइज कर सकते हैं, अगर जिनको समझ में आया होगा बेटा। अगर जो बच्चे जो मेरे जो प्रीवियस ईयर को जो सॉल्यूशन दिया हूं, जो मेरे जो है लास्ट लेक्चर्स दिए हैं चैप्टर 2 का, अगर जो बच्चा देखा होगा तो वो सबसे पहले भैया कमेंट सेक्शन में भी एक थम्स अप दे देगा, क्या करके बेटा थम्स अप दे दिया और लिख देगा सर मैंने सारी चीजें कर ली, लिख देना बेटा मैंने सारी चीजें कर ली सर, आपने बहुत जबरदस्त कराया हुआ है, ठीक है बच्चे। तो आपको कुछ इस तरीके से क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना, जिससे मैं आपको जो है समझ पाऊं कि बेटा आपने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है। अब बच्चे अपन बात करते हैं चैप्टर 3 के, सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 में हम लोग कर रहे होंगे वैद्युत रसायन, बेटा चैप्टर 3 में वैद्युत रसायन करते हैं, और यहां से पांच अंक के क्वेश्चन आते हैं बेटा, पांच अंक के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके दिमाग में ये आता है सर सीधा डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दो ना, सीधा डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दो जिससे हमको जो पांच अंक इजिली सेव हो पाए। अब बेटे पांच अंक की जो प्रोबेबिलिटी होती है सारे बच्चों को पता है कि पांच अंक में एक जो है मतलब दो क्वेश्चन आते हैं अथवा के साथ हमको दो क्वेश्चन मिलते हैं। अब बच्चे ये हो सकता है कि भैया एक क्वेश्चन जो है किसी भी बच्चों को बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो होता है हो सकता है कि अच्छे से नहीं आ रहा हो, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बच्चे क्या करेंगे, जिसको आता है उसको हम भी साथ लेके चलेंगे, जिसको नहीं भी आ रहा थोड़ा बहुत आ रहा है उसको भी साथ लेके चलेंगे, तो उस हिसाब से मैंने डिसाइड किया। बच्चा ध्यान से सुनना, हम यहां पे करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन बेटा, बहुत बेसिक इस चैप्टर का फंडा जो होता है पूरा रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन मैंने एकदम सेपरेट वीडियो बनाया है बेटा, ठीक है, अगर देख लेना, देखना चाहते हो देखना, कहीं भी बेटा कोई भी सोर्स फॉलो करो लेकिन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है बेटा, मेरी वीडियोस देखो आप, नोट्स पढ़ो कुछ भी करो, लेकिन बेटा आपको करके ही जाना है। एट द एंड बच्चा आपका रिजल्ट आना चाहिए, बस इससे मतलब है,
ठीक है, बस इससे मतलब कुछ नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। चलो देखते हैं, बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बेटा मैंने आपको पूरा सेपरेट वीडियो दिया है, बहुत गजब तरीके से इसको देख सकते हो, क्लियर बच्चे। अब बच्चे हमारा जो अनदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है हमारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसको करके जाना बेटा, हो सकता है ये अथवा में आ जाए, अथवा में आ जाए बेटा, ठीक है। तो इसको करके ही जाना है, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, ठीक है, वो हमारा होता है संचारण। क्या बेटा? देखो, लोहे पर जंग लगने का कारण एक विद्युत रासायनिक सेल बनना माना जाता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस देते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है बेटा। तो इसको हम सीधा जो है क्या, किस टॉपिक से रिलेट करते हैं? संचारण की टॉपिक से, कोरिजन के टॉपिक से, संचारण, ठीक है बेटा, संचारण। इस संचारण वाला टॉपिक जो है मैंने डेडिकेट किया है एक वीडियो, इसको अगर आप देखोगे तो आपका संचारण बेटा एक नंबर नहीं कटने वाला। इतनी जबरदस्त तरीके से मैंने संचारण कराया हुआ है, अगर उसको देखोगे तो आपको एक नंबर नहीं कटने वाले, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। अब बच्चे हमारे जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना बेटा, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करता हूं। ये हमारे जो है मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, इसको कभी कभी बेटा कॉपर और जिंक सेल की क्रियाविधि भी समझाई, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल किसे बोलते हैं, अगर ये क्वेश्चन है तो इसको करके जाना है। इसको तो मैंने दो वीडियो में कंप्लीट किया है भाई, दो वीडियो लगाए इसको कंप्लीट करने में बेटा, दो वीडियो, समझ रहे हो ना। अगर दो वीडियो आप इसको जो 2x में करके देखोगे तो आपको क्विक रिवीजन हो जाने वाला आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। इसको कभी कभी बेटा क्या करते हैं, डेनियल सेल के नाम से भी पूछा जाता है। कभी कभी बेटा इसको वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, ठीक है, वोल्टीय सेल। तो अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से रहता है, अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से नाम भी दिखे ना तो आपको यही लिख के आना है, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, फिर विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जाता है, कॉपर जिंक सेल की क्रियाविधि भी समझाइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्या समझाने करके, ठीक है। इस सेल को समझा के आना, और इसके जो है वीडियो बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको फील कराया है, समझ रहे हो, पढ़ाया नहीं है मैं, आपको फील कराया मैंने, समझ रहे हो बेटा, फील कराया। अब देखो बेटा यहां पे हम संचालन को वापस से क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने यहां पे कवर अप कर दिया, तो यहां पे कोई भी बातें और नहीं करनी होगी मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले बेटा फटाफट आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बच्चे अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि हमारा होता है रासायनिक बल गतिकी। अब बेटा रासायनिक बल गतिकी में हमको जो है अगेन 5 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं वापस से। यहाँ पे जो पैटर्न होता है, 2 अंक के 1 क्वेश्चन और 3 अंक के 1 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 3 अंक के 1 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। देखो बच्चे, अब 2 अंक के लिए हमने 2 अंक के हिसाब से क्या करनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चंस याद करने चाहिए, ठीक है। अब 2 अंक के हिसाब से बेटा ध्यान से सुनना समझना, 2 अंक के हिसाब से मेरे हिसाब से बेटा, ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा जो है दहली ऊर्जा, ठीक है। दहली ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में मैंने वीडियो जो है जब बताया था, मैंने वहां पे सारी चीजें क्लियर कराई थी कि दहली ऊर्जा क्या होती है। संक्रियण ऊर्जा क्या होती है बेटा, ठीक है, संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट संक्रियण ऊर्जा क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मैंने अभी यार क्या देता हूँ, रेड स्टार बना देता हूँ यहाँ पे, रेड स्टार, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, ये अगर एग्जाम के अंदर आए तो सारे बच्चे लिख पाएंगे। मैंने बताया भैया n इजिकल्स टू 0 होता है, n इजिकल्स टू 1 होता है तो वो क्या होता है, 0 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 1 होती है तो सॉरी 0 होता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो 1 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एकदम सिंपल बेटा, सारे बच्चों को समझ में आया। तो अभिक्रिया की कोटि मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। दर निर्धारक पद और तात्कालिक दर, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी 2 अंक के क्वेश्चंस के लिए, 2 अंक के जो है प्रैक्टिस के लिए, क्लियर बच्चे। अब 3 अंक के ऊपर बात करते हैं, 3 अंक के ऊपर बहुत ज्यादा इजी बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस यहां से आ रहे होते हैं, और जो कि मैंने आपको कराया है एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने सारी चीजें कराई हुई बेटा। क्या कराया हमने यहाँ पे, शून्य कोटि की अभिक्रिया हमको यहाँ पढ़नी पड़ेगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एस जेनुअल बेटा, बहुत ज्यादा जेनुअन, ठीक है। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको करना ही करना है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन, इसका व्यंजक बेटा सब कुछ मैंने कराया है, सब कुछ कराया है, बस उसको एकदम सीधा से बेटा पढ़ना और सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चे। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर ये बच्चे क्या कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। अब बच्चे यहां से 3 क्वेश्चन हमको मिल गए, अब 3 क्वेश्चन भी या 3 जो है अंक के लिए अलग अलग आएंगे। अब सपोज करो बेटा, वापस मैं यही फंडा बोलना चाहूंगा कि भैया 3 अंक के क्वेश्चन है, अब तीनों साइड में अलग अलग आ सकते हैं, डेफिनेटली अलग अलग आ सकते हैं बेटा, ठीक है। क्या पता भैया यहाँ पे एक में क्या दे दें,
शून्य कोटि की अभिक्रिया देते, किसी एक में भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे, किसी एक में बच्चे क्या देते इसकी अभिक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक दे दे, तो अलग अलग हिसाब से अपन को पढ़ना पड़ेगा ना। हमको थोड़ी ना पता कि कौन से सेट में क्या आने वाला है, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता अपन को, ठीक है, समझ आए। अब बच्चे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहां से अंकिक प्रश्न आए, अंकिक प्रश्न आए, न्यूमेरिकल आए। अगर आप कमेंट सेक्शन में बेटा सारे बच्चे, अगर आप जो है जो वीडियो देख रहे होगे, अगर हमको जो है बेटा 300 बच्चे देख रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 70-80 बच्चे अगर ये कमेंट करें कि सर मेरे को इस चैप्टर से न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, अंकिक प्रश्न चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बच्चे आपके लिए न्यूमेरिकल यहां से लेके आऊंगा। बस बच्चे आप क्या कीजिएगा, 70-80 बच्चे कमेंट कीजिएगा, बस सर यहां से मेरे को न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है। अगर सारे बच्चे कमेंट करें तो मैं डेफिनेटली आपके लिए क्या आने वाला हूं, न्यूमेरिकल यहां से लेके आने वाला हूं, क्लियर सर बच्चों। तो यहां से न्यूमेरिकल करके जाइएगा बच्चा, ठीक है, करके जाइएगा। यहां से मैंने क्वेश्चन फॉर्मूला मैंने बता दिया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, कि इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, और यही से ही डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, इसके बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर बेटा, मैं समझता हूँ सारे बच्चों जो है फील कर रहे होंगे सर इसको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत मक्खन तरीके से कराया बेटा, आप पढ़ोगे ना फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो पृष्ठ रसायन की मैं जब बात करता हूँ, तो पृष्ठ रसायन में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती बेटा, बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत बहुत, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। लेकिन प्यारे बच्चे आपको उन बहुत सारी चीजों को पढ़ना नहीं है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स है जिसको हमको कवर करना है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। उस गिने चुने टॉपिक्स का यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया बेटा, ध्यान से सुनो, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये बेटा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, इसको करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं बेटा, स्वर्ण संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है बच्चा, आप वीडियो लेक्चर देखोगे या फिर फॉलो करोगे या फिर बेटा आप अपने नोट्स उठा के पढ़ोगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ आया बेटा, ठीक है। अब देखो स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, पहली क्वेश्चन की बात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में भैया एक जो हमारा बहुत बेहतरीन, ठीक है, कटे स्थान में बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी या फिर भैया CEFECL3 का व्यंजन प्रयुक्त होता है, ठीक है, ये हमारा जो है क्या बेटा एक अनदर एग्जांपल हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, इसको आप लोग जो है एग्जाम में आया भी हुआ, इसलिए मैं इसको जो है इस लिस्ट के अंदर जो है रखा हूं, क्लियर सारे बच्चों को समझ में आया। अब बच्चे हमको जो कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा भयंकर जो है कंसेप्ट के ऊपर बात करना है, जो कि हमको छोड़ना भी नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना बेटा। अगर ये छोड़ दिए तो चलो ठीक है भैया, ज्यादा थोड़ा लेंदी हो जा रहा है सर, हमको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के जाना, लेकिन एटलीस्ट पढ़ के जाना, क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है। थोड़ा भी पढ़ोगे ना बच्चे तो आप लोग इजीली लिख दोगे, इजली लिख दोगे, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो बेटा स्वर्ण संख्या कटे स्थान में बहने में रखते, हाँ ये जो, हाँ ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। अब बात करते बच्चे विद्युत कण संचरण, जब मैं आपको कोलाइड्स बताया था बच्चे, तो वहां पे मैंने आपको विद्युत कण संचरण जो है कराया था, ठीक है, भले ही इसको मैंने जो थोड़ा सा फास्टवे पे बता दिया था, लेकिन प्यारे बच्चों इसको मैंने कराया और बहुत अच्छे से कराया, क्लियर सारे बच्चों को। उसके बाद बेटा स्कंदन, कोगुलेशन जिसे हम बोलते हैं, स्कंदन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन किसको बोलते हैं, स्कंदन किसको बोलते हैं, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करके जाना, क्लियर सारे बच्चों को। अब बेटा यहां से बहुत ज्यादा अति भयंकर भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, अपना गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से। अपोहन क्या बोलते हैं बेटा, अपोहन जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस, इस डायलिसिस को आप छोड़ के भी मत जाना, भूल के भी मत भूलना, ठीक है, डायलिसिस, स्कंदन, ठीक है, ये दो टॉपिक्स है बेटा, इसको भूल के भी मत भूलना, यहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली और बहुत अच्छे अच्छे बन रहे होते हैं, ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है बच्चे। अपोहन जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस, डायलिसिस में भी दो तरीके के डायलिसिस मैंने बताया हुआ था, पहला जो डायलिसिस था नॉर्मल, जो हमारे फिल्टर पेपर बात करते थे वहां पे जो है हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली वाला, ठीक है, वो आपके याद है ना, तो अर्धपारगम्य झिल्ली वाला अपन बात किए थे, एक जो यहाँ पे हम विद्युत कण संचरण, और दूसरा जो हमारा एक था बच्चा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, वहां पे हम जो कोलाइड्स होते थे वो अलग अलग जो है साइड पे चले जाते हैं, वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह करने के बाद, ठीक है, तो हम वहां पे दो चीजें पढ़े थे, दो डायलिसिस के बारे में पढ़े, तो वो दोनों डायलिसिस बहुत अच्छे से करना, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया होगा। अब उत्प्रेरक बेटा, ये तो बहुत बचपन की बात है, ये बचपन की बात है, तो इसको मैं जो थोड़ा सा ओवररेटेड लेके चल रहा हूं बेटा, क्या है उत्प्रेरण, ठीक है, उत्प्रेरण क्या होता है, आप सारे बचपन से इसको पढ़ते ही आ रहे, कक्षा 11वीं में, कक्षा 10th में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है, उत्प्रेरण क्या होता है, उसमें बेटा कुछ टाइप्स होते हैं, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, और कुछ जो है कुछ और प्रकार होते हैं इसके, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, और मैं अगर कुछ अगर आपको जो है कोई भी चीजों में दिक्कत होती तो आप बच्चे वीडियो प्रिफर कर सकते हो, वीडियो प्रिफर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, वीडियो में अगर आप पढ़ लिए तो भैया आप उसको 2x में कर दो और फटाफट रिवाइज कर देना है और उसको वापस से रीड आउट कर लेना, जिससे आपकी सारी की सारी जो तैयारी है बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्लियर है बच्चे। अब बच्चे अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से अपन एक बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सारे टॉपिक्स को करने में, इस सारे टॉपिक्स को करने में हमको कितना टाइम दिया था, 7 घंटे का टाइम दिया था,
ठीक है, 7 घंटे का मैंने यहाँ इसको पूरे जो 5 चैप्टर उसको करने में टाइम दिया था, और आपके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 40 मिनट का बफर टाइम लिया था बेटा। कितना? 40 मिनट का बफर टाइम लिया था, 40 मिनट का बफर टाइम लिया था। इस 40 मिनट के बफर टाइम में आप जो भी करना चाहते हो, ठीक है, आपको ब्रेक लेना है या फिर उसको रिवाइज करना या फिर इसको यूटिलाइज करना है इसमें, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अप्रोक्स बच्चे 6.5 घंटा या फिर 7 घंटा एक एक चैप्टर को, जो फिजिकल केमिस्ट्री 5 चैप्टर को देना अनिवार्य है। अगर इस तरीके से पढ़ लिए बेटा तो आपके अंक बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। देखो बच्चे, एक सिंपल बहुत एकदम साफ सुथरी सी बात बोलता हूँ मैं, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ। देखो, जब तक आप घर में बैठ के चीजों को पढ़ रहे होगे ना, तो आपको क्या लगेगा, ठीक है, अप्रोच ही गलत होती है भैया। अप्रोच ही, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, आप सोचते कैसे उस हिसाब से, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चे, आप ध्यान से सुनना। जब तक आप घर पे बैठ कर चीजों को पढ़ते हो ना, चीजों को पढ़ते, बार बार रिवाइज करते हो, ठीक है, अगर मान लो भैया एक बार पढ़ ले तो लगता है कि भाई ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, एग्जाम में लिख दूंगा। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हो तो इसको जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। क्या होता है कि वहां पे जब जाते हो तो आपको भूल जाते हो सब कुछ, कुछ नहीं आता भाई, ये कैसे, मैं इसको किया था लेकिन भूल गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है वहां पे, ठीक बेटा। तो इसको क्या करना, अवॉइड करना, आपको जितना बार हो रिवीजन करना को टाइम मिलता है, रिवीजन करने का टाइम मिलता है, आप रिवाइज करते जाना, ठीक है बच्चे, रिवाइज करते जाना, रिवीजन ही वो चाबी होगी जो आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर लेके आ रही होगी। क्लियर सारे बच्चों को? तो आपको रिवाइज करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ बच्चे हम लोग जो है, हमारा फेज टू का जो सीरीज है, फेज टू का जो बात है, वो पूरी की पूरी जो हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब बच्चे आपके पास वो इनफ कंटेंट और इनफ टॉपिक रह गया है इसको पढ़ने के लिए। अब यहाँ के बाद बच्चे हम फेज थ्री के ओर जो है जा रहे होंगे, तो इसके बाद बच्चे हम फेज थ्री में बहुत जबरदस्त तरीके से फोड़ूंगा, और इसके अंदर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, जो कि हमारा होता है चैप्टर नंबर 6 to 9 के बीच में। अब अभी भी बच्चे बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया एक साथ सारे क्वेश्चन दे दो ना सर, इतनी सारी बातें क्यों हैं, तो बच्चे इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि एक साथ जो है खाने नहीं खाया जा सकता, थोड़े थोड़े करके ही हम खाना खाएंगे, जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा और हमारा जो टाइम, हमारा जो कंसेप्ट है बेटा, वो भी क्लियर होते चले जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर जो यहीं पे खत्म करते हैं, आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही गजब तरीके से फोड़ रहे होंगे। चलिए बच्चे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।